नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आगाज सेमधामी ने किया शुभारंभ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सॉलिड जीत, उत्तराखंड में जश्न का माहौल। हरीश रावत ने कहा थैंक यू कर्नाटक। कर्नाटक इलेक्शन, कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर सेमधामी ने दी बधाई, बोले जनता का विश्वास सर्वोपरि। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक निकली गंगा पथ यात्रा, चारधाम के पौराणिक मार्गों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। प्रदेश में तापमान बढ़ने से फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में हो सकता है इजाफा, अधिकारी तैयारियों का दे रहे हवाला। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम धामी ने देहरादून में मिलेट महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस उत्साहित है, सभी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का साथ देने के लिए जनता को थैंक यू कहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं बीजेपी ऑफिसों में सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर से कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस को जीत पर बधाई दी है और इस जीत को जनता का मत बताया है। प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्ग को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में पैदल मार्ग पर आज गंगा पथ यात्रा भी निकाली गई, जिसमें परमार्थ निकेतन के महाराज चिदानंद मुनि और पौरी डीएम आशीष चौहान मुख्य रूप से शामिल हुए। उत्तराखंड में अभी तक बारिश ने फॉरेस्ट फायर से राहत दी थी, लेकिन आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने वन विभाग के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जंगलों में फायर की घटनाएं बढ़ सकती हैं। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक वकील ने अपने जुड़वा बेटों के साथ मिलकर अपने साथ काम करने वाले वकील पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल दोनों वकील साथ में काम करते थे, लेकिन पीड़ित वकील ने अपना खुद का ऑफिस खोल दिया, इसी कारण दोनों के बीच रंजिश हो गई। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट तहसील के बुरसुम चंतोला गांव में हुए हत्याकांड से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मामूली सी बात इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकती है। पूरे क्षेत्र में हत्याकांड पर चर्चा जोरों पर है। वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों को गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने इसके लिए प्रमुख वन संरक्षक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों को समय रहते रोका जा सके। उत्तराखंड में अवैध मजारों का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड पर है। अवैध मजारों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि मजार खोदने पर इंसानी अवशेष नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, मजारों पर दावा करने वाले लोग तक सामने नहीं आ रहे। पुलिस ने 5 साल की मासूम की असमत से खेलने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस शिकायत मिलने के बाद ही आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।